मीडिया के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह पर उनकी भाभी आकांक्षा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आकांक्षा शर्मा बिग बॉस 10 की प्रतिभागी थी और उस घर से बाहर हो गई हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने युवी पर आरोप लगाया कि युवराज ड्रग्स का सेवन करते थे। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने यह भी कहा कि युवराज ने खुद यह बात मुझे बताई थी कि वो स्मोकिंग करते हैं। साथ ही आकांक्षा ने अपनी सास शबनम को लेकर भी खुलकर कई बातें की हैं। अपनी शादी को लेकर आकांक्षा ने कहा कि जोरावर से मेरी शादी सिर्फ पेपर पर हुई है। वहीं आकांक्षा की सास शबनम सिंह ने कहा कि आकांक्षा और जोरावर के तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में आकांक्षा को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मामले को लेकर किसी शो या पब्लिक में कोई बात करे। मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहरी इस मामले के बारे में जाने। आपको बता दें कि आकांक्षा और जोरावर की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन 4 महीने के बाद ही आकांक्षा और जोरावर के बीच समस्याएं शुरू हो गई। युवराज सिंह ने इस शादी को बचाने के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। आकांक्षा ने बिग बॉस शो में बताया था कि शादी के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें लगता था कि जिंदगी से बेहतर तो मर जाना है। आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ 3,000 रुपये थे और वो अपने ससुराल से भागने की सोच रही थी। बिग बॉस में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ इस शादी से आज़ादी चाहिए। इसके लिए उन्हें पैसे या फिर कुछ भी युवराज सिंह के परिवार से नहीं चाहिए। बिग बॉस से पिछले हफ्ते आकांक्षा बाहर हुई हैं और अब दुनिया के सामने आने के बाद वो युवी के परिवार पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। देखते रहिए डीपी लाइव।